श्री शिवाय नमस्तव्यम हर हर महादेव। दीपालपुर मध्य प्रदेश से चल रही तीसरे दिन की श्री प्रसूति सिंह महापुराण कथा समाप्त हो चुकी है और आज के कथा में गुरुजी के पास एक बहुत ही सुंदर सा पत्र आया था। उस पत्र का वर्णन करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यह पत्र ऐसा था कि जिसमें उस नारी ने एक छोटा सा उपाय किया था जिस उपाय से उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। पत्र जो था वो था सोनाबाई महेंद्र सिंह राजपुत्र जी का पत्र आया था देवास मध्य प्रदेश से। पत्र में उन्होंने लिखा था कि उनकी शादी के 25 साल हो गए थे लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं हो रहा था और इस पत्र में उन्होंने जो उपाय किए हैं वो उपाय को भी हम आपको वीडियो में ही दिखाएंगे कि उस उपाय को आप किस प्रकार से कर सकते हैं। पहले इस पत्र को पढ़ लेते हैं उसके बाद हम आपको उस उपाय के बारे में भी बताएंगे। तो देखिए उन्होंने पत्र में इसी प्रकार से लिखा था कि 25 साल से उन्होंने कोई भी ऐसा डॉक्टर या देवी देवता नहीं है जहां कि उन्होंने अपने गोद के लिए गई हो। सभी जगह दिखा लिया, लखनऊ, इंदौर, मध्य प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, सारे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लिया लेकिन उन्हें संतान का सुख नहीं हुआ। 18-19 साल तक इन्होंने कंटिन्यू डॉक्टर देवी देवता के पास अपनी प्रार्थना करती रही लेकिन कुछ नहीं। उसके बाद इन्होंने इस चीज़ को छोड़ दिया करना ही और अपने मन से निकाल दिया। किसी ने पंडित प्रदीप जी के कथा के बारे में उन्हें बताया और उस कथा को उन्होंने सुनना शुरू किया और जैसा कि प्रदीप जी बताते हैं अपना कथा में कि सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ उस उपाय को किस प्रकार से आपको करना है। तो महादेव की दया से उन्होंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया तुमरुका जी का नाम स्मरण करते हुए और 11 अप्रैल 2022 को उन्हें संतान की प्राप्ति हुई जिसका कि फोटो भी आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि उस उपाय को किस प्रकार से आपको करना है जिससे कि अगर आपके भी अंदर भी या कोई भी दिक्कत है या किसी और को भी कोई दिक्कत है तो इस वीडियो को भी आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं जिनसे कि उनका भला हो सके। ध्यान से देखिए, सबसे पहले इस वीडियो में हम समझेंगे कि उपाय किसे करना है, ठीक है। देखिए उपाय उन नारी को करना है जिसका गर्भ कई सालों से नहीं ठहर रहा है। 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया फिर भी गर्भ नहीं ठहर रहा है। आप लोगों ने बहुत सारे डॉक्टर को भी दिखा लिया, बहुत तरह के इलाज करवा लिए, जैसे कि टेस्ट बेबी भी करवा लिया फिर भी गर्भ नहीं ठहर रहा है, तो उनको इस उपाय को करना है, ठीक है। देखिए उपाय कैसे करना है और उपाय के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। उससे पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि इस उपाय से बहुत सारे भक्तों को फ़ायदा हुआ है। आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी उपाय आप लोग करते हैं सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा, महादेव जरूर भला करेंगे। किसी को थोड़ा सा देर हो सकता है लेकिन महादेव चाहेंगे तो आपका विश्वास अगर मजबूत रहेगा, ठोस रहेगा तो महादेव की कृपा जरूर होगी, ठीक है। देखिए आप लोगों को यह बता दें कि इस उपाय को करने में ना ही आपका 1 रुपया खर्च होने वाला है और ना ही आप किसी को 1 रुपया देने भी वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ महादेव पे विश्वास करके एक प्रैक्टिकल करके देखिए, महादेव चाहेंगे तो ज़रूर जो भी आप लोगों की दिक्कत है संतान प्राप्ति को लेकर वो ज़रूर आप लोगों का सही हो जाएगा। आप लोगों ने बहुत सारे डॉक्टर के पास भी दिखाया होगा, बहुत सारे रुपये भी खर्च किए होंगे। एक बार इस प्रैक्टिकल को और महादेव पे विश्वास करके देखिए, ना हमारे पास या इस वीडियो के माध्यम से ना ही कोई आपको फीस देनी पड़ रही है, ना ही कुछ आपको देना पड़ रहा है। और हम आपको यह भी बता दें कि हमारे तरफ से कोई फोर्स नहीं है कि करना और ना करना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है या प्रार्थना है, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो अगर आपके आसपास कोई भी किसी भी व्यक्ति को अगर इस तरह की समस्या है तो उनके पास भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे कि उनका भला हो सके। वीडियो को अंतिम तक देखिएगा जिससे कि आपको भी समझ में आ सके जिस प्रकार से करना है और आप दूसरे को भी समझा सकते हैं, ठीक है। देखिए इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को चाहिए क्या, एक सफ़ेद आंकड़े की जड़। सब कुछ बताऊँगा आंकड़े की जड़ क्या होती है, किस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। मोली धागा आप लोगों को पता होगा, पीपल का पत्ता और गाय का दूध, ठीक है। ये आपको देखिए मेरे स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है, ये है सफ़ेद आंकड़े की जड़, ठीक है। पहले देखते जाइए, सारे क्वेश्चंस आपके लास्ट में क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद ये मोली आपको दिख रहा है ना, ये मोली आपको लेके आनी है। पीपल का पत्ता तो आप लोगों के पास नॉर्मली ही आराम से मिल जाएगा और गाय का दूध भी आप लोगों के पास आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि आप लोगों के मन में ये चल रहा होगा सफ़ेद आंकड़े की जड़ क्या होती है और कहाँ मिलेगा, ठीक है। देखिए आप लोगों को बता दें कि इसे हम आग का फूल भी कहते हैं, ठीक है। आग जो होता है ना उनका फूल होता है तो उसमें सफ़ेद कलर का होता है और एक बैंगनी कलर का होता है, ठीक है। तो आपको सफ़ेद कलर वाला जो फूल होगा ना उसका जड़ लेके आना है और यह आपके आसपास में अगर कोई जंगल है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या मंदिर में जाते हैं शिव मंदिर में तो वहाँ जो फूल बेचता है ना आप उससे भी पूछेंगे तो वो आपको बता देगा कि कहाँ मिलेगा। अगर नहीं फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ कि सफ़ेद आंकड़े का जड़ क्या होता है, किस किस नाम से बोलते हैं, कहाँ मिलेगा, किस प्रकार से, तो वो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले सफ़ेद आंकड़े का जड़ लेके आना है।
कब लाना है वो भी अंतिम में बताऊंगा, ध्यान से पहले वीडियो को समझते जाइएगा। सफ़ेद आंकड़े का जर्क कैसे लाना है, देखिए पति और पत्नी दोनों को साथ में जाना है लाने के लिए, ठीक है, दोनों आदमी चले जाइए और ये सफ़ेद आंकड़े की जड़ जहाँ पे भी है वहाँ से आपको थोड़ा सा जड़ प्राप्त कर लेना है और लेके आना है, ठीक है। जैसे आपने इसे प्राप्त कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है, मंदिर जाना है, ठीक है, मंदिर, शिव मंदिर। जैसे आप शिव मंदिर जाते हैं तो उसके बाद क्या करना है, ये जो जड़ आपके पास है, ठीक है, पति पत्नी दोनों मंदिर के अंदर हैं, इस जड़ को आपको क्या करना है, जो भी अगर आपकी पूजा अर्चना करना है तो आप अपना पूजा अर्चना शिवलिंग मंदिर पर कर लीजिए महादेव जी को। उसके बाद इस जड़ को क्या करना है, 21 बार इस तरह से आपको 21 बार तुमड़ुका जी का नाम स्मरण करते हुए घुमाना है, ठीक है, आराम से इसको 21 बार इस तरह से आराम से घुमाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, अंतिम में अपना नाम, गोत्र और पति का नाम स्मरण करते हुए तुमड़ुका जी से प्रार्थना करनी है। इतना सा काम कर लिया, इसके बाद देखिए क्या करना है, आपको क्या करना है, देखिए शिवलिंग यानी जब आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे जैसे शिवलिंग है तो इसके सामने में, जलाधारी के सामने में नंदी जी बैठे होते हैं, ठीक है, आपको इसके पीछे या तो बैठ जाइए या तो खड़े हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ बैठ के यहाँ से ये देखिए इस सिर से जो है आपको यहाँ शिवलिंग का दर्शन करना है, ठीक है, नंदी जी को देखते हुए, उनके सिर को देखते हुए शिवलिंग का दर्शन करना है, प्रार्थना करनी है महादेव से तुमड़ुका जी का नाम लेते हुए। ये जो आपके पास धागा लेके आए हैं, ठीक है, मोली जो मैंने आपको बताया था, मोली जो होगा आपके पास उस मोली को ले लीजिए। उसके बाद क्या करना है, मोली को लेने के बाद अपने कमर में ये मोली हो गया और ये आपका आंकड़े का जर हो, इस मोली से आपको क्या करना है, इसमें बांध लेना है, ठीक है, आराम से इसका धागा निकाल के इसमें इसको लपेट दीजिए। उसके बाद अपने कमर में, यहीं पे मंदिर में ही आपको अपने कमर में इस आंकड़े के जर को आराम से धीरे से बांध लेना है, ठीक है, इसको यहाँ पे हमने इसे इस तरह से बांध लिया, ठीक है, इतना कर लिया, महादेव से प्रार्थना कर लिया सब कुछ, पति पत्नी वहीं पर बैठे रहे, पति अपना प्रार्थना कर सकता है महादेव से वहीं बैठ के। उसके बाद क्या करना है, आंचल पसार के यानी वहीं जो बैठे हुए हैं आप नंदी भगवान के पीछे में, वहीं पे आपको आंचल पसार के महादेव से प्रार्थना करना है, तुमड़ुका जी से प्रार्थना करना है कि हमें भी संतान सुख प्राप्त हो, बहुत दिनों से हम इस परेशानी से गुजर रहे हैं। इतना सा करने के बाद आपके पास जो पीपल का पत्ता है, इस पीपल के पत्ते को क्या करना है, आपको महादेव के ऊपर चढ़ा देना है, ठीक है, शिवलिंग महादेव के ऊपर चढ़ाना है, कुंदकेश्वर महादेव या तो पिपलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए चढ़ाना है। इतना सा कर लिया, उसके बाद क्या करना है, आपको घर आ जाना है। जैसे ही आप घर आ जाते हैं तो आपके पास, जब आप रात्रि में सोने के लिए जाएंगे, ठीक है, ये गाय का दूध मैंने बताया है, जब आप सोने के लिए जा रहे हैं उससे थोड़ा देर पहले आपको क्या करना है, गाय के दूध, ये मेरे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ना, गाय के दूध में आपको क्या करना है, वो पीपल का पत्ता जो है, ठीक है ना, जिस तरह से यहाँ उबल रहा है, ठीक है, इसी प्रकार से आपको उस पीपल को पत्ता को इसमें डाल देना है, थोड़े देर दूध को उबाल लीजिए अच्छे से। मैंने कोशिश किया देखिए आपको प्रॉपर दिखाने का कि जिसमें कोई भी दिक्कत ना आए समझने में, आराम से उबाल लीजिए। उबालने के बाद क्या करना है, दोनों पति और पत्नी जब रात में सोने के लिए जा रहे हैं, एक एक गिलास दूध ले लीजिए, उसमें से जो दूध है आपके पास, ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके पास आधा लीटर दूध है या 250 ml है, जितना भी है कम से कम कीजिए कि आधा लीटर ले लीजिएगा तो एक एक गिलास 200 ml आराम से आप लोगों के पास हो जाएगा। दोनों पति पत्नी साथ में लेके आराम से सोने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे किस मन में ये भी सवाल रहता है कि संबंध में रहना है या नहीं रहना, जी बिल्कुल संबंध में रहना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब आप लोगों के मन के जो सवाल थे ना उसके मैं उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। उपाय कब करना है, जो सबसे पहला आप लोगों का सवाल था हमारे पास, उपाय कब करना, देखिए उपाय आपको पीरियड्स के साथ में, जैसे रजोधर्म आपका चल रहा है, 1 तारीख को रजोधर्म है, 7 तारीख को 7वां दिन होता है, ठीक है, तो 7th डे जो है आपको इस उपाय को करना है, पति पत्नी साथ में आपको 7वें दिन जाना है और उसके बाद से आपको कंटिन्यू दूध पीना है, डेली आपको पीपल का पत्ता महादेव के ऊपर चढ़ाना है और गर्म करके पीना है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए अब आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि उपाय कब तक करना है, देखिए इस उपाय को आप कम से कम 3 महीना कीजिए, अगर महादेव की दया हुई तो पहले महीने में ही हो जाएगा, ठीक है, कम से कम 3 महीना 4 महीना करके देखिए, महादेव पर विश्वास कीजिएगा तो ज़रूर आपकी जो भी कामना है संतान प्राप्ति के लिए ज़रूर पूरा होगा। अब आप लोगों के मन में आ रहा है अगर 1st महीना में हो जाता है, अगर हम गर्भधारण हो जाते हैं तो फिर क्या करें, देखिए अगर 1st महीना में हो जाता है अच्छी बात है, अगर दूध का सेवन करना चाहते हैं तो आप करें, नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो जड़ आपके कमर में है वो बांधे रहने चाहिए। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि धागा थोड़ा सा आप लंबा रखिएगा, अगर आप जब प्रेग्नेंट होते हैं तो धीरे धीरे आपका कुछ दिनों के बाद पेट भी भरने लगेगा तो वो धागा जो है आपका टाइट होने लगता है, तो उस प्रकार से आप बांधिएगा कि उसे बाद में बड़ा या छोटा कर सके, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के मन का सवाल जो होता है कि पीपल का पत्ता जो है यानी दूध वाला कब तक हमें लेना है, देखिए जब तक हम प्रेग्नेंट नहीं हो जाते महिलाएं तब तक आप आराम से दूध पीजिए, क्योंकि वो खराबी तो कर नहीं सकता है ना,
तो आराम से आप दूध पीते रहिए कंटिन्यू, महादेव की दया होगी तो 3 महीने के अंदर ही आपके घर में संतान जरूर होगा, ठीक है। उसके बाद पीपल का पत्ता जो है जब दूध में उबाल लें तो उसे क्या करना है, देखिए पीपल का पत्ता जब आप दूध में उबाल लेते हैं तो सुबह में आप उसे विसर्जित कर सकते हैं या तो पीपल वृक्ष के नीचे भी जाके आप उसे रख सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने पूरे तरह से कोशिश किया हूँ आप लोगों को आराम से समझाने के लिए, लेकिन कुछ गलतियाँ आप लोग क्या करते हैं उसे भी मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए आप लोगों के मन में क्या होता है कि हम पति पत्नी हैं तो साथ में चले जाते हैं, ठीक है, या नहीं तो किसी और से मंगा लेते, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, पति पत्नी जड़ लाने के लिए 7वें दिन रजो धर्म के 7वें दिन साथ में जाना है, किसी दूसरे से नहीं मंगवाना, किसी अड़ोसी पड़ोसी से नहीं मंगाना है। मंदिर में पूजा करने के लिए जाएंगे तो दोनों को साथ में जाना है। दूध पीते समय आप लोगों को तुमरुका जी का नाम स्मरण करना है, महादेव से प्रार्थना करनी है, बस इतना छोटा सा उपाय। देखिए मैंने कोशिश किया पूरे आसान भाषा में समझाने के लिए, कोई भी दिक्कत आती है तो निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल पे नए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं और भी इस तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।